जीतती है, कोई नहीं समझता है, खाली हम लोग भाग भाग के रोड रोड पे जाए वहां जाए। अभी मैं जंतर मंतर से नायब सूबेदार रमेश चंद बोल रहा हूँ। हमारी एक टीम है जो कि अमृतसर से आई है और हम इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा कर गुजार करते हैं। ये हमारे हवलदार जसवीर सिंह प्रधान जो कि अमृतसर से अपनी पूरी टीम को लेकर आए हैं। हमारी वीरांगनाएं आई है जो कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी आगे की रणनीति और बात ये खुद बताएंगे कि किस बेस पर किस लिए जंतर मंतर पर आए हैं। अभी इनका माला डालकर सभी का स्वागत किया जा रहा है। दूसरा अभी आपके सामने पंजाब टीम का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी टीमें ऐसे आती रहती हैं। परसों भी संगरूर की एक टीम आई हुई थी जो कि यहाँ पर थी, मैं कई दिन से यहीं पर हूँ। उससे पहले हमारी केरला की टीम भी पूरी गाड़ी बोगी भरकर आई थी, वो भी जो है यहाँ पर हमने उनका इसी किस्म से स्वागत किया था। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, वरना यह धरना खत्म नहीं होगा। आगे से आगे हमारी माता बहने भी जो है विधवाएं हैं, वो भी संघर्ष में शामिल होती जा रही हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये इलाहाबाद से आई अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर, जिनके पति नहीं है, शहीद हुए हैं और आज तक उनके बच्चों का कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से यही बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की सुनवाई की जाए और आगे की रणनीति है पंजाब से आए प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी कहाँ से है सर? सर मैं, मेरा नाम हवलदार जसबीर सिंह शूरा, प्रधान एक्समैन सैनिक वेलफेयर सोसाइटी अटारी पंजाब। सर हम पंजाब से आए हैं जो जहाँ पे सैनिकों का जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष का हम हिस्सा है, शुरू से ही लेकर हिस्सा है। तो अभी हम अपनी स्पेशल टीम लेके कल हम पहुँचे हैं, तो अभी हम जंतर मंतर पे ही एक हफ्ते तक रुकेंगे। 233 दिन हो गए जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को बैठे हुए, न्याय की कितनी उम्मीद है और कब तक उम्मीद है? सर न्याय हम लेंगे और लेके ही रहेंगे। आज तक हम जीते हैं, जीतेंगे, जीते रहेंगे। न्याय विश्वास है, पूरा विश्वास है, हम न्याय लेंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि आपको 70,000 करोड़ रुपए दे दिए है और आप कह रहे हैं कि जो 3% है जो अफसर हैं उनके लिए दिए, हमारे लिए क्या दिया है? वो जो 70,000 करोड़ बोल रहे हैं वो अपने मुंह से बोल रहे, हिसाब लेके आ जाए किसको दिया है तो दिखा दे किसके खाते में चले गए। हमारे खाते में तो कुछ भी नहीं आया, सरकार झूठ बोल रही है। वो हमें तो पता नहीं है, वो 70,000 करोड़ रुपया स्टेज से बोल रहे है कि 70,000 करोड़ रुपया वो 3% अधिकारियों के खाते में दिया होगा, हमें तो कुछ मिला नहीं है। तो सैनिकों को अधिकारी चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? देखो जी, ये अधिकारी सैनिकों को तो सैनिक ही चला रहे हैं और अधिकारी चला रहे हैं। अभी अधिकारियों की सरकार से बात होती है। नहीं, सरकार का अधिकारियों पे अंकुश नहीं है या सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से जेसीओ जवानों का शोषण किया जा रहा है? मिलीभगत से हुआ, जो भी कुछ है सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है, अधिकारियों की आपसी मिली भुगत है। अधिकारियों ने जो लिख के दिया सरकार ने वो कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर आदमी आंख बंद करके जवानों पे, सेना पे विश्वास करता है, लेकिन जब सेना के अंदर की कलह खुलती है तो आम लोगों को भी तकलीफ होती है इस बात से। वैसे ज्यादा तो हम अंदर की बातें नहीं बताएंगे, वो हम अंदर का बाप भेद जो हो अंदर ही और हम रखना चाहते हैं, हम अंदर की बात तो नहीं बताएंगे। नहीं, आप रखना चाहते हो ये बात मान ली, लेकिन 233 दिन से जंतर मंतर पर आप बैठे हो, अब वीरांगना भी इधर आई हुई है और आती रहती है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो तो कह रही है कि सेना के अंदर की बात रोड पे लाओ, लेकिन आप तो फिर भी संयम बरते हुए हो। हम तो रोड के ऊपर लाए हुए है बात, सरकार सुनने नहीं आती रोड के ऊपर भी क्या हो रहा है।
आज तक कोई अधिकारी आया सुनने के लिए, जहाँ पे कोई ये कोई मिनिस्टर आया बात सुनने के लिए? अभी संसद के अंदर भी बोलिया जा रहा है, कई बातें हुई है, अभी इन्होंने आ किसी से पूछा गया है? अधिकारियों से पूछा ना, जैसे वो अग्निपथ को ले आके बीच में ठोस दिया। देखो कि फौज के अंदर 5 साल तक तो वैसे आदमी रिक्रूट रहता है, कई तकनीकी होती जो आती है, तो इन्होंने 4 साल का सैनिक तैयार करके रख दिया जिसको कुछ पता भी नहीं हो क्या बॉर्डर पे लड़ ले। 4 साल का सैनिक तैयार कर दिया, 1 साल की तो 1 साल में ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, उन्होंने हालांकि 6 महीने का ट्रेनिंग रखा है, तो क्या वो जवान लड़ेगा, क्या अपनी परवाह करेगा, क्या फैमिली की परवाह करेगा, उसका माइंड मेंटल स्टेटस क्या होगा कि उसे 4 साल नौकरी करनी और घर जाना है बस? उसका मेंटल स्टेटस बेचारे का क्या होगा? 1 साल की उसकी छुट्टी लगा लो, 1 साल की उसकी ट्रेनिंग लगा लो, बाद में घर आएगा फिर आके अपनी नौकरी ढूंढेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको 9,000 की नौकरी मिलेगी किसी फैक्ट्री के अंदर आकर के। तो सरकार ये अग्निवीर बना के लोगों को बेवकूफ बना रही है। हम तो यही बोल रहे हैं कि बेवकूफ बना रही है सरकार। आप कहाँ से आए हो? मैं प्रयागराज से आई हूँ। प्रयागराज से जी। आप वीरांगना है जी। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, जो 233 दिन में यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग की सुनवाई किया जाए। आगे वाले सुनवाई क्यों कर रहे हैं, पीछे वाले सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसके हस्बैंड 1999-98 शहीद हुए, उन लोग के आगे वाले और पीछे वाले के नहीं हो रहा, और आगे वाले के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और आज इतने दिनों में मोदी सरकार आई, कोई सरकार यहाँ आके पूछा सैनिकों से कि तुम लोग यहाँ क्यों पड़े हो, भूखे हो कि मर रहे हो कि प्यासे हो, कि बॉर्डर पे कोई मर रहा पूछने आया, कोई नहीं आया। आज सरकार की ये चाहिए कि देखिए भिन्न नारियों का और बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रख के उनको आके यहाँ पूछना चाहिए। किसको भेजते हैं? पुलिस वाले को, आर्मी वाले को डंडा मारने के लिए। क्यों आके पूछो यहाँ कि ये लोग क्या चाहते हैं? ये अपना हक खाली चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं चाहते। मोदी जी तो हर बार दीपावली सैनिकों के साथ क्या दे रहे हैं? सैनिकों के साथ दिखावा कर रहे हैं, सैनिकों के साथ। अभी तो शक्ति नारी शक्तिकरण कर दिए, उनका पैर छुए, क्या किए, मतलब किए कुछ? कुछ नहीं, खाली ये नाम का चोचला बाजी है, दिखावा है, मुखौटा पहने है। अगर हम गरीबों को, हम शहीद पत्नियों को, हम शहीदों को ये सुन ले पुकार, तो आगे चल के इनके लिए बहुत होगा, और नहीं वरना इनका अब की इलेक्शन बिल्कुल हारना है, ये बिल्कुल नहीं जीतेंगे। 24 में वोट की चोट जी, 2024 में जो इनका इलेक्शन चलने वाला है, ज्यादा कुछ हम नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये पक्का हारेंगे, नहीं जीतेंगे, अगर ये सैनिकों की पुकार नहीं सुने। इनके परिवार के क्यों नहीं बॉर्डर पे जाता? इनके बीवी बच्चे क्यों नहीं रोड पे आते? क्यों हम लोग के बच्चे आते हैं रोड पे? क्यों हम लोग के बीवी बच्चे परेशान रहते, धोखा खाते हैं, दर दर के ठोकरे खाते हैं? अस्पताल जाओ तो झोंका झाकी होगा, कंटीन जाओ तो झोंका झाकी होगा, कि बीन नारी हंसा जाएगा। क्यों भैया, हम लोग के पति शहीद हुए हैं, रोड पे चलते हुए नहीं मरे हैं। कर्नल की बीबी का हार्ट अटैक आ गया, उनका बीन नारी में नाम। ड्राइवर की बीबी के हार्ट मर गया, उनका बीन नारी में नाम। और जो 7 गोली खा के, जो 7 आतंकवादी मार के शहीद हो रहे हैं, जो कारगिल में शहीद हो रहे हैं, उनका क्यों नाम नहीं भैया? खाली नाम के लिए बीन नारियों को बुला के सम्मान करते हैं, एक स्टॉल दे के और ये कुछ रुपया दे के ये सम्मान करके 4 दिन में फिर वैसे हो जाते हैं? कहां बीन नारी है, कहां औरतें हैं, कहां बच्चे हैं? सैनिक शहीद हो जाते हैं, वीर नारी का नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे लाइफ, वीर नारी का लाइफ कितना मुश्किल होता है, ये बड़ी मुश्किल होता है। हमसे पूछो हम कैसे जिंदा हैं, जो औरत अपने बाप से 10 साल केस लड़ी फिर भी नहीं हम कुछ वो किए, जो औरत जमीन के पट्टे के लिए लड़ाई लड़ रही है वो भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये सब देखते हुए अपने बेटे को हमने कहा इधर आर्मी में डाल दिया, ये भी नहीं देखा। लेकिन इन लोग को क्या चाहिए? इन लोग की यही चाहिए ना कि बीन नारियों को सम्मान करें, बीन नारियों को हक दें, बीन नारियों के साथ खड़े रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या नहीं आए, यही तो हम लोग चाहते हैं। खाली नाम को बीन नारी कर दिए, खाए बीन नारी है, बीन नारी का मतलब समझते हैं मोदी योगी संसद जी? नहीं समझते हैं कि उनके बीवी बच्चों के ऊपर क्या बीतती है, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, कोई नहीं समझता है। खाली हम लोग भाग भाग के रोड रोड पे जाए, वहाँ जाए वहाँ जाए। ये है वीर नारी जो अपनी पीड़ा बताते हुए दुखी हो रही है, आंसू भी आ रहे हैं।
लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार से उम्मीद है कि कम से कम भी नारियों की सुने और इन पूर्व सैनिकों की सुने। और क्या कहते बस एक पट्टा भी था, हम लोग परेशान है। तहसील जाओ, डीएम के लगे जाओ, एसडीएम के लगे जाओ, केसरी पटेल तक के हम गए, वो भी मिलने से इनकार कर दी, साइन पे लिख के दे दी, फोन तक नहीं की। आज तक 5 साल से मेरा केस चल रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी जमीन का। इधर वीर नारी भी आई हुई है, आप उनकी पीड़ा सुनी है आपने, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना भी बहुत शर्मनाक दी चीज है जिहड़ी एक किड्डी दूर तो बेचारे वीर नारियां साडियां चल के आ रही हैं, ते सानू बहुत तकलीफ हुंदी, दुख हुंदा वा सुन के, क्योंकि सत सत अतवादियों को मार गिराना और फिर अपनी छाती में गोली खा के खुद शहीद हो जाना, बड़ा मतलब एक जिहड़ी मोदी जोगी ते अहमद शाह ये जिहड़े आ बड़े सानू कट्टड़ हो गए टकरे आ। साडे वेखो आ पूर्व सैन सारे रोड़ा दे रोल रहे आ, धक्के खा रहे आ, सानू रोड़ा दे आउण दी जरूरत नहीं सी। जे ये साडा छोटी जी मंग आ, कोई एड्डी वड्डी मंग भी नहीं आ, कोई पैसे दी भी कोई कमी नहीं इहनां दे कोल, भी इहनां ने घरों बना के थोड़ियां मशीनां च पैसे देणे आ। पूर्वक सैनिक इन्ने धक्के धोड़े खा के एक छोटा सा बच्चा पैदा करके उन्हें जवान करके 18 साल का भर्ती कराई दा, फिर वो मीत लैके अगे मतलब पहुंचता वा, छोटा लैसनैक बनता, नैक बनता, हौलदार बनता, फिर नैक सूबेदार बनता, बड़ा मतलब पदवी औखी पाउंदा, ते एक गोली ना जिहड़ा दुश्मन है साडा पाकिस्तान दा उहनूं मार गिराउंदा है। एडे पले पोसे नूं किसे दी नौकरी 6 साल हुंदी, किसे दी 5 साल हुंदी आ, किसे दी 7 साल हुंदी आ, किसे दा बच्चा 1 साल दा है, किसे दा 4 साल दा है, उहनूं अपने मां बाप दी पछाण वी नहीं हुंदी पूरी, भी मेरा बच्चा मैनू पछाण वी नहीं, बाप अपने नूं पछाण वी नहीं पाउंदा, मेरा बाप कौण सी, ते साडे जिहड़े अपने हैगे ने पूर्व सैनिक, साडे सैनिक जिहड़े आ ओह मतलब इन्नी मतलब कठिन दे विचों दी निकल के जांदे आ, ते बहुत मुश्किल हो जांदा। सरकार ने नए सैनिकों के नाम पर अग्निवीर बना दिया, पूर्व सैनिकों को अधिकार नहीं दे, पूर्व सैनिकों को हक नहीं दे रही, सरकार को कौन मिसगाइड कर रहा है कि अफसरों के बल पे जंग लड़ ली जाएगी क्या? ये मैं एको गल कहना भी बहुत शर्मनाक दी चीज है जिहड़ी 4 साल दी अग्निपथ जिहड़ी चलाती है ना, ये तो एक निंदा योग। मैं कहना भी इदों घटिया हरकत कोई अपने इंडिया दे विच भारत दे विच हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिहड़ी 4 साल दी सर्विस कर दित्ती आ उहदे विच बंदा 4 साल दी सर्विस दे विच उहनां ने आखिया भी 25% असीं ਉਹ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਤੇ 75% ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜੋ 75% ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ, ਜੋ 25% ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇ ਹਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਤ ਪੇ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਨਕਾ ਚੁੰਚਾ ਗਿਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਕਾ ਕੁੱਤਾ ਘਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਗੋਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਲੜਤੇ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਮਰ ਮਿਟਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਕੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦੇਂਗੇ, ਉਨਕੋ ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ ਘਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ 11,000 ਤੇ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੌਣੇ ਕਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਏਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਪਾਲੇਗੇ, ਕਿਆ ਕਰੇਗੇ ਇਸਮੇ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨੇ ਮੇ ਔਰ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਤਨੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛਾਨਣਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੈਸੇ ਮੋਟੀ ਗੇਹੂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬਰੀਕ ਗੰਦੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਬਾਗਵਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਨਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਸੈਨਾ ਕਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਸੀ ਸੈਨਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿ ਆਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਧਰ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਮੇ ਹੁਆ ਔਰ ਕਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੁਆ, क्या वहां आरएसएस या मोहन भागवत की सेना आके लड़ी है? मोहन भागवत आप आके खुद लड़ लवे, आके सवालों के जवाब देवे, इधर आ जावे
ये थोड़ी है कि खाखी निकर पहन के जाके उधर लड़ लेगा, सेना तो सेना ही होती है। नहीं तो सेना को ये हक नहीं दे रहे, सेना को ये चार साल की कर रहे हैं तो कैसे जल्दी जंग लग गई तो कैसे देश जो है बर्बादी की तरफ ही तो जा रहा है ना देश। हाँ। देश आजादी की तरफ कहाँ जा रहा है, देश तो गुलामी की तरफ जा रहा है। आज सैनिकों सैनिक जो है वो सड़कों पर है जी, देश का सैनिक सड़कों पर है, जिसकी वीरांगना सड़कों पर है वो देश का तो दुर्भाग्य से भी बेड़ा कर। बड़ा अधिकारी कह रहा है कि कोई जितनी जनता सो रही है, मैं जो बता रहा हूँ जितनी जनता सो रही है पूरे हिंदुस्तान में वो सिर्फ एक सैनिक के बल पे सो रही है। अगर सैनिक सो गया तो देश खो गया। ये सिर्फ सैनिक अपनी जान पर खेलता है, जो कि सैनिक ने आज भी अपनी जान पर खेल करके इस देश को चला रखा है। अगर कल सेना एक भी जवान बॉर्डर से आंख इधर को उधर घुमा देगा तो सेना का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये सरकार ने जो है अंधी बैरी सरकार है, इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी, इससे पहले क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मोदी जी आकर के 2014 से कर रहे हैं, क्यों देश को उल्लू बना रखा है, किसको एमएसपी पे दे रहे हैं, किसको विधानसभा में क्या दे रहे हैं बताइए। खाली नेता लोगों की पेंशन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि नेताओं की पेंशन बंद करो, देखो कितना रुपया बचेगा। एक एक नेता को 5-5, 6-6 पेंशन दे रहे हैं, और जवान के लिए एक पेंशन के लिए बोलते कि वो तनख्वाह लेता है, मर गया तो क्या हो गया। अरे साले कमीनो शर्म करो, क्या बोल रहे हो तुम देश को, देश को क्या उदाहरण दे रहे हो। ये बात हमारे बॉर्डरों पर जा रही हो, जवान के दिल पर क्या बीत रही है जो कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ अपनी जान पर खेल रहा है। आज मैं बड़े दुखी मन से बोल रहा हूँ कि मेरे मन से भावना क्या निकल रही है, ये पूरे देश को मेरी आवाज पहुंचा दो। हो सके तो मुझे बेशक जंतर मंतर से छोड़ के इंडिया गेट पर ले जाकर उल्टा लटका कर गोली मार दो, मैं आंख और मुंह बंद नहीं करूंगा। तो ये थे पूर्व सैनिक जो 233 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं, 8 महीने से ज्यादा हो गया, 8 महीने से ज्यादा हो गया जंतर मंतर पर बैठे हैं, और यहाँ वीरांगना भी आई हुई है। तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, हर जगह राजनीति करें, सब जगह राजनीति करें, लेकिन कम से कम सेना को छोड़ दें, क्योंकि सेना के बल पे ही आम आदमी अंदर चैन से सो रहा है। इस चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। थैंक यू।